नमस्ते दोस्तों, मम्मी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं खस्ता बनाने का रेसिपी बताऊंगी। इसके लिए मैं आटा, चीनी, खाने वाला सोडा, सौंफ, पीला इलायची और नारियल ले ली हूँ। अब मैं आटा में घी डालकर इसके मोयन कर लेती हूँ और चीनी में थोड़ा पानी डाल देती हूँ जो कि मेरा चीनी घुलता रहे। और इसमें मैं घी मोयन लगा लेती हूँ, तो फिर मैं दिखाती हूँ आगे क्या प्रोसेस। अब मेरा आटा में मोयन दिया गया है। अब मैं इसमें खाने वाला सोडा थोड़ा रख लेती हूँ। और इसमें मैं सौंफ, इलायची और नारियल इसको मिक्स कर लेती हूँ। करने के बाद इसके मैं मिला लेती हूँ। और उसके बाद चीनी थोड़ा घुल गया है, इसे मैं डाल देती हूँ। अब मैं गैस को जला लेती हूँ और इस पर मैं कढ़ाई को रख देती हूँ। अभी रिफाइन गर्म होने के लिए मैं इसमें रिफाइन को डाल लेती हूँ। जब तक मेरा घी गर्म हो रहा है, जब तक मैं इसे खस्ते को तैयार कर लेती हूँ। खस्ते को तैयार कर लेती हूँ। अब मेरा घी गर्म हो चुका है, इसे मैं लो को मीडियम कर देती हूँ। तब इसमें मैं अपनी खस्ता को डाल रही हूँ। मेरा खस्ता बनकर तैयार हुआ और इसे मैं निकाल लेती हूँ और फिर मैं दूसरा डाल देती हूँ।
मेरा खस्ता बनकर तैयार हुआ। इसे मैं निकाल ली हूँ। मेरा खस्ता बनकर तैयार हुआ। इसे आप लोग शेयर कीजिए और मजे उठाइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।